हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ साइंस के प्रैक्टिस सेट 7। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 6 तक आप अपने प्लेलिस्ट में जाके साइंस की चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपके ऑप्शंस हैं स्कैपुला, स्टेपीज, फीमर या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करते चलिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन हमारे ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? स्टेपीज होती है। आपके एक्सप्लेनेशन है, आवर बॉडी कंप्राइजेज ऑफ 206 बोन्स। आप सबको जैसे पता होगा कि आपकी टोटल, आपके बॉडी में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो वो 206 होती हैं। अमंग देम द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बोन्स आर मैंशनड हेयर। जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारे बॉडी की और सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है। जो फीमर होती, द फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन अगर पूछते हैं तो वो होती है फीमर। इट इज़ ऑलमोस्ट 19.9 इंचज़ लॉन्ग। और ये कितनी इंच लॉन्ग होती, तो 19.9 इंचज़ लॉन्ग होती है। कॉमनली नोन एज, और हम इसको किस नाम से बोलते हैं, तो ये होती है थाई बोन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फीमर। तो फीमर एक थाई बोन होती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की और ऑलमोस्ट 19.9 इंचेस लॉन्ग है। अगर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट बोन को, तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? स्टेपीज है, जो कि आपके ईयर में प्रेजेंट है, वो भी मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये आपके मिडिल ईयर में है। द साइज ऑफ स्टेपीज, और जो साइज है स्टेपीज का वो कितना है? वो है आपका 3 mm × 2.5 mm, इसकी साइज है। देयर आर 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। और आपके मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, स्टेपीज, इनकस। और इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट बोन है आपकी स्टेपीज और यही स्मॉलेस्ट बोन आपकी ह्यूमन बॉडी की भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेम इसका, आप इसे लर्न कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को डे बाय डे और बेटर कर सकते हैं। और जब तक आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तब तक आपके साइंस के कई क्वेश्चंस रिवीजन हो गए होंगे। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया? आपके ऑप्शंस है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी एंड सी एंड नन ऑफ दीज। आप सब अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसके करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो कि सिंथेसाइज होता है गट बैक्टीरिया के थ्रू? तो वो होगा विटामिन के। एक्सप्लेनेशन, विटामिन के एज इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ द मैन एंड मोस्ट एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या फिर एनिमल्स भी हैं, तो उनके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एक बैक्टीरिया होता है जो विटामिन के को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन के, और मेजर सोर्स क्या है जिससे हमें विटामिन के मिलता है, वो होता है बैक्टीरिया इन द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो विटामिन के है वो सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ये एक सोर्स है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और विटामिन के किस लिए एसेंशियल है? सेवरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द बॉडी। अगर आपको चोट लगती है, ब्लड आपका फ्लो होने लगता है, तो कुछ सेकंड बाद अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो आपके विटामिन के हेल्प से। विटामिन डी, आपको पता है विटामिन डी किससे हमें मिलता है? सनलाइट से मिलता है। एंड विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर्स? ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा आइसोटोप का यूज़ होता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करते चलिए ताकि इससे आप टेस्ट कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक 74। एक्सप्लेनेशन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड फॉर। अब देखिए, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर ट्रीटमेंट हो रहा है कैंसर का तो उसके लिए आप कोबाल्ट 60 का यूज़ करेंगे। अगर ब्लड क्लॉट है तो उसके लिए सोडियम 24 का यूज़ होगा ट्रीटमेंट में। अगर ट्यूमर को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आर्सेनिक 74 रेडियो आइसोटोप्स को हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आप इसे लर्न कर सकते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्स में इससे आता ही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन रिमेंबरिंग अ ड्रीम फॉर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपने जो ड्रीम देखा है अगर उसको रिमेंबर याद रखना है तो उसके लिए कौन सा विटामिन होता है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर नन ऑफ दीज। आई होप आपने अपना आंसर गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। एक्सप्लेनेशन, विटामिन B6 is found in a variety of animal and plant foods। animal and plant foods में आपको मिल जाएगा विटामिन B6। और देखें तो बीफ लीवर, ट्यूना, सालमन ये फिश है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है, इसमें भी मिलता है आपको विटामिन B6। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलता है, स्पेशली जो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें। फ्रूट्स में देखें तो बनाना, पपाया एंड ऑरेंजेस में। क्वेश्चन नंबर 6, एन एयर बबल इन वाटर एक्ट एज अ। जो एयर बबल होता है वाटर में वो किस तरह एक्ट करता है। आपके ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्लेन मिरर या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव लेंस। जो एयर बबल होता है जब वो वाटर में होता है तो वो किस तरह एक्ट करता है, कॉन्केव लेंस की तरह एक्ट करता है। आपके एक्सप्लेनेशन है, इनसाइड वाटर द एयर बबल बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस। वाटर के अंदर जो एयर बबल है वो एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। और आपको पता होगा जो आपका कॉन्केव लेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जब रेज इस पर पड़ती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, सब जगह फैल जाती है। तो द रेज डाइवर्ज आफ्टर फॉलिंग ऑन द कॉन्केव लेंस। इसी तरह आपका एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं, जहाँ पे रेस एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। जैसे आप टेलीविज़न देखते होंगे तो जो टेलीविज़न के जो शोज़ हैं वो कैसे ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो ऑडियो सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से आप सुन सकते हैं, तो वो किसके हेल्प से है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू ऑडियो सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। एक्सप्लेनेशन, इन एनालॉग टीवी ब्रॉडकास्ट ऑडियो सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसमिटेड होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं FM। और इसी तरह अगर आपको वीडियो सिग्नल्स हैं जहाँ पे आप पूरी पिक्चर्स देख सकते हैं तो वो ट्रांसमिटेड होता है बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसे हम बोलते हैं AM। तो अगर ऑडियो पूछे तो आप लिखेंगे FM और अगर वीडियो सिग्नल्स है तो क्या हो जाएगा AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर प्लेस्ड इन। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है हम उसको किस में प्लेस करते हैं, पीरियोडिक टेबल में, एक्टिनाइट सीरीज में, लेंथेनाइट सीरीज में, ग्रुप 2 में या फिर नन ऑफ दीज। आई होप आपने आंसर्स को गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथेनाइट। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उसको किस सीरीज में प्लेस करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये होता है आपका लेंथेनाइट में। आपके एक्सप्लेनेशन है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनाइट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ प्लेस होते हैं तो ये आपके एक्टिनाइट सीरीज में होते हैं, ना कि लेंथेनाइट सीरीज में होते हैं। आपके एक्सप्लेनेशन है, एक्टिनाइट्स द सीरीज ऑफ 15 मेटेलिक एलिमेंट्स। जो एक्टिनाइट है वो एक सीरीज है 15 मेटेलिक एलिमेंट्स के, जो कि स्टार्ट ही होता है किससे, एक्टिनियम से, एटमिक नंबर 89 और कहाँ जाके ख़त्म होता है, लॉरेंशियम, एटमिक नंबर 103 इन द पीरियोडिक टेबल। दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। जो एक्टिनाइट सीरीज़ होती है इसमें 15 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। द हेवियर मेंबर्स, और इससे ज़्यादा जो हेवियर मेंबर्स है वो बहुत ही एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाते हैं, एंड नॉट ऑफ नेचुरल अकरेंस, और नेचुरली ये अकर भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएबल मटेरियल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। अगर आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि स्विचेबल होगा? आपके ऑप्शन है एल्निको, टिकोनल, कोबाल्ट स्टील या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप तीनों ही चीज़ों का यूज कर सकते हैं, एल्निको, टिकोनल एंड कोबाल्ट स्टील। आपके एक्सप्लेनेशन है एल्निको। एल्निको एलॉयज आर फेरोमैग्नेटिक। जो एल्निको एलॉयज होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। आर यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, और इसका यूज परमानेंट मैग्नेट्स में किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड यूजिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब भी परमानेंट मैग्नेट की बात आएगी तो उसमें कैसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अगर आपको ये एग्जांपल्स ना दिया हो तो कैसे मटेरियल्स का आप यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करेंगे। और इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल। एलॉयज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स आर ऑल्सो यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ होता है। अर्थ मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। टिकोनल इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट। जो आपने अभी ऊपर ऑप्शन में देखा टिकोनल, ये किसका एलॉय होता है? तो ये आपका आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट इन सबको मिला के एक एलॉय बनता है जिसका नाम है टिकोनल। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन हाई कोएर्सिव फील्ड मैग्नेट्स आर ऑब्टेन्ड। और मैग्नेटाइज होने के बाद इसमें एक हाई कोएर्सिव फील्ड बन जाती है। मैग्नेटाइजेशन हैज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और इन सभी से मिलने के बाद जब इस एलॉय से आप मैग्नेट बनाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबे समय तक इसमें मैग्नेटाइजेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नोन एज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियाइज होते हैं डिफरेंट एटम्स की जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे टर्म? आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोटोन। जब भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो तो आपको याद रखना जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो आप क्या इस पर करेंगे? आइसोटोन। Explanation: Isobars are element with the same number, same mass number, but different atomic number. ये बहुत ही important है, आपके एग्जाम्स में हमेशा एक क्वेश्चन आता है इससे। तो आइसोबार एक ऐसे एलिमेंट है जिसमें मास नंबर तो सेम होगा बट एटमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसी तरह आपका आइसोमर्स है, ये एक ऐसे एलिमेंट है जिसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है पूरा वो सेम होगा मगर उसके स्ट्रक्चर्स जब आप बनाएंगे तो वो डिफरेंट आएंगे। इसी तरह आइसोटोप होता है, इसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सिंपल सा बस ये याद रखें कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होगा और फिर आपका मास नंबर क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आइसोबार एंड आइसोटोप जस्ट अपोजिट हैं। जैसे यहाँ आइसोबार में आपने देखा कि मास नंबर सेम है और उसी तरह बट आइसोटोप में हम क्या देखेंगे? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो ये इसके अपोजिट हो गया। और आइसोटोन जो कि हमने ऑप्शन में देखा हमारा करेक्ट आंसर है आइसोटोन। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ अ साउंड वेव। जो साउंड वेव्स होती हैं उनमें फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच का क्या रिलेशन होता है? आपके ऑप्शंस है हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच। इसका मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी? हाई होगी। लोअर द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी डाउन जाती है तो उसकी पिच हाई होगी। या फिर पिच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, आप ये कहिए कि पिच जो है वो उसका कोई भी डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें पिच होगी, या फिर वाइसा वर्सा, जितनी ज़्यादा पिच होगी किसी भी साउंड की उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्रिक्वेंसी होगी। एक्सप्लेनेशन: फ्रिक्वेंसी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। कि पर सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो वो होती है फ्रिक्वेंसी। वेयर एज पिच क्या है, पिच एक परसेप्चुअल क्वांटिटी है विच डिपेंड अपॉन द लिसनर, इनफैक्ट आवर ईयर्स डिटेक्ट द पिच नॉट द फ्रिक्वेंसी। तो ये जो पिच होती है वो डिपेंड करता है लिसनर पे कि हमारा ईयर जो है वो किसे डिटेक्ट करता है, पिच को या फ्रिक्वेंसी को। तो हमारा जो ईयर है वो पिच को डिटेक्ट करता है, ना कि फ्रिक्वेंसी को। ऐसे भी आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि पिच क्या है, इज द वे दैट नॉइज मे साउंड हाई और लो। अगर कहीं पे डीजे लगा है या कहीं पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की साउंड बहुत तेज़ है, तो अगर कभी बहुत ज़्यादा तेज़ है या फिर बहुत स्लो आ रही है नॉइज़, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होना या फिर नॉइज़ का बहुत ज़्यादा स्लो होना, तो उसी को आप पिच कह सकते हैं। और इससे आपका ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हाई पिच साउंड्स हैव हाई फ्रिक्वेंसीज। इसका मतलब जितनी ज़्यादा पिच होगी किसी भी साउंड की, उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। अ लॉट ऑफ क्विक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसमें से किस केमिकल को आप स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डायथिल एथर। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं, आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायथिल एथर। डाईएथिल एथर इज अ कलरलेस हाई वॉलेटाइल फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डाईएथिल क्या है, ये कलरलेस होता है, हाईली वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत जल्दी वेपर्स बन के उड़ जाता है, और ये एक फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? ऑप्शन ए, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं, आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर गैस मिक्सचर होती कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की। एक्सप्लेनेशन, अ पॉइजनस फ्लेमेबल गैसियस मिक्सचर दैट कंसिस्ट चीफली। जो आपका वाटर गैस है, ये एक पॉइजनस फ्लेमेबल गैस है जिसका मिक्सचर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एंड हाइड्रोजन होता है, विथ स्मॉल अमाउंट और कम अमाउंट में और भी गैसेस होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। यूजली मेड, और इसको ये कैसे बनती है, बाय ब्लोइंग एयर एंड देन स्टीम, और इसको स्टीम करना पड़ता है ओवर रेड हॉट कोक या फिर कोल पे, एंड यूज्ड एज अ, और इसको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल या फिर आफ्टर कार्बोरेटिंग एज एन इल्यूमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 13, बार इज द यूनिट ऑफ। बार किसकी यूनिट है? आपके ऑप्शन है ए, टेम्परेचर, बी, हीट, सी, करंट या फिर डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं, आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बार किसकी यूनिट है, बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। एक्सप्लेनेशन, द यूनिट ऑफ हीट इज सेम डेट ऑफ एनर्जी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हीट की यूनिट या फिर एनर्जी की यूनिट सेम होती है डिफरेंट, तो आप कहेंगे हीट एंड एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट और वी कैन से एनर्जी इज जूल। ये आप लर्न करके रखिएगा कि एसआई यूनिट हीट और एनर्जी की क्या है, जूल है। उसी तरह करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं, कूलम पर सेकेंड में, या फिर आप कह सकते हैं एम्पियर ए करंट। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ये होती है केल्विन, और इसको आप डिनोट करते हैं के से, और इसी तरह जो हीट और एनर्जी की थी जूल, उसको डिनोट करते हैं आप जे से। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एज इट फ्लोज थ्रू अ वायर। क्वेश्चन में आपके इससे ये पूछ रहा है कि किसने डिस्कवर्ड किया था ये फैक्ट कि एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एज इट फ्लोज थ्रू अ वायर। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, कब प्रोड्यूस करता है, जब वो वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो आपके ऑप्शन है न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ऑप्शन बी फैराडे ने, ऑप्शन सी ऑर्स्टेड ने, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं, आई होप आपने अपना आंसर गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्स्टेड ने ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर्कुलर फॉर्म में। एक्सप्लेनेशन, In 1820, Oersted discovered by accident that electric current creates a magnetic field. तो Oersted ने 1820 में क्या डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इससे पहले जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट को लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो अनरिलेटेड है, मतलब उनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। Oersted also used a compass to find the direction of the magnetic field around a wire carrying current। और Oersted ने कंपस का भी यूज़ करके ये पता लगाया कि जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ वायर कैरिंग करंट। तो आप इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम्पियर से A, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर द करंट इन द वायर, जितना ज़्यादा करंट होगा एक वायर में उतनी ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन पर kg इज़ अ यूनिट ऑफ। तो न्यूटन पर kg किसकी यूनिट है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी। इसी तरह हम और भी देख सकते हैं, एक्सीलरेशन है जिसको आप ए से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह आपका मोमेंटम है जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो उसकी यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को आप लिख सकते हैं केजी और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई। आई होप आपको ये वीडियो साइंस की पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और क्या हम इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।